बलिया में कैफना थाना क्षेत्र में देर रात एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में सवार सभी लोग किसी शादी में शामिल होने जा रहे थे। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 4 की मौत हो चुकी है। वहीं एक व्यक्ति को वाराणसी रेफर कर दिया गया है, जहाँ उसका इलाज जारी है। पटना से चितबड़ा गांव की तरफ जाने वाली चार पहिया वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में गिर जाने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। उक्त सूचना पर तत्काल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। उक्त दुर्घटना में मौके पर ही 3 लोगों की, जो गाड़ी में सवार थे कुल 5 लोग, उनमें से 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और 2 लोगों को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ प्राथमिक इलाज के बाद उनको उच्च इलाज है तो हायर सेंटर पर रेफर किया गया, जिसमें से एक व्यक्ति की दौरान इलाज और मृत्यु हो गई है। शेष एक व्यक्ति का इलाज BHU में चल रहा है, जिनकी स्थिति ठीक है, वो खतरे से बाहर है। उक्त घटना के संबंध में पोस्टमार्टम एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। जबलपुर में नर्मदा नदी में डूबे 2 युवकों का शव आज पुलिस ने निकाल लिया है। दोनों युवक कैंट थाना अंतर्गत कटंगा के रहने वाले हैं, जो कि नर्मदा नदी में नहाने गए थे। इस दौरान उनका एक साथी भी था, जो कि डूबने से बच गया। गोताखोरों की टीम 3 दिन से लगातार दोनों युवकों की तलाश में जुटी थी। पुलिस को दोनों युवकों के शव जिलहरी घाट के कुंड के पास पानी में मिले। मौके पर मौजूद गुआवरी घाट थाना पुलिस ने दोनों शवों को पंचनामा कर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। आ गए तीनों लड़के ग्वारीघाट ऑटो करके, एक रहा सनी कुरील, एक का नाम है नित्तू कुरील, एक है अजय पासी। अजय पासी वो छोटा भाई अपना, चाचा का लड़का है। क्या काम करते थे दोनों? इन लोग का जो काम मिल जाता था, बेलदारी भी करते थे, मजदूरी भी करते थे, हलवाई का भी काम करते थे, तीनों काम करते थे। तो दोनों की शादी हो चुकी है? नहीं नहीं, नहीं, नहीं। क्या उम्र रही होंगी दोनों? इनकी 29-30 साल रही। 24 को अजय पासी, नीतू कुरील और सनी कुरील, नीतू कुरील और सनी कुरील साथ जिलहरी घाट नहाने आए थे। जो नहाते समय उनका दोस्त सनी कुरील ने बताया कि नहाते समय नीतू कुरील और अजय पासी डूब गए हैं, जिसकी रिपोर्ट पर गुमनसान कायम कर तलाश किया जा रहा, जो आज दिनांक को 25/4/24 को सुबह 8:55 बजे जिलहरी घाट में शव पानी से उतराते देखा, जो NDRF के टीम के द्वारा शव को पानी से घाट के किनारे लाया गया, जिनकी परिजनों के द्वारा पहचान की गई और फिर उसके बाद सूचना पर मर्ग कायम कर जांच में लिए गए। कायमी SDM महोदय, ये जो सदर के थे, ये बागनी मोहल्ले के।